नमस्कार दोस्तों, रॉक ओवर जब आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के सॉरी, क्योंकि यार कल कोई भी वीडियो मैं नहीं डाल पाया, फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो इस वजह से सॉरी यार कल कोई वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन टेंशन मत लो, आज बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगे, तो इस सब वीडियोज़ को आप ज़रूर से इन्जॉय करना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने संडे को Q&A किया था, जहाँ पर बहुत सारे सवाल थे कि रियलमी के 3 प्रो में कब आएगा, रियलमी 5 प्रो में कब आएगा। अपडेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर के अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, रियलमी 3, 3i, U1, जितने भी वैसे ना सबके बारे में पूछा गया था, तो यही बताऊंगा मैं इस वीडियो पे। तो सबसे पहले बात करें अगर हम फीचर्स की, कि आपको दिसंबर के महीने में कौन से फीचर्स मिलेंगे, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि यह अपडेट जो आपको कब तक मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो सिक्योरिटी पैच के बारे में हम बात करते हैं, तो जिस फ़ोन पे, मतलब रियलमी के जो भी डिवाइस पे अक्टूबर महीने का सिक्योरिटी पैच चल रहा था, उनको गारंटी दिसंबर का सिक्योरिटी पैच जो है मिल जाएगा 5 दिसंबर का। लेकिन यार जिन लोगों के फ़ोन पे नवंबर महीने का सिक्योरिटी पैच चल रहा था, हो सकता है उनको ना मिले, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, मिल भी सकता है, लेकिन चांसेस है कि उनको ना मिले। क्योंकि अगर आप देखते हो ना, मतलब जो रियलमी के टाइमलाइन है अपडेट की, तो हर एक फ़ोन को 2 महीने बाद अपडेट मिलते हैं सिक्योरिटी पैचेस की। तो यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों के पास अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच है, उनको गारंटी मिलेगा दिसंबर का पैच, और नवंबर वालों को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो जनवरी का तो मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं और कुछ फीचर्स की, तो नोटिफिकेशन सेंटर में एक टॉगल आने वाला है, फर्स्ट स्विच टॉगल, जिसकी मदद से आप अपने डार्क मोड को सिंगल क्लिक में इनेबल कर पाओगे और सिंगल क्लिक में उसको डिसेबल भी कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और नोटिफिकेशन सेंटर में ये आ जाएगा। और जो कैमरा है उसके अंदर काफ़ी सारे बग्स को फिक्स किया जाएगा, जैसे कि नाइटस्केप से अगर आप फोटोज़ या फिर फोटोज़ वगैरह शूट करते हो अपने रियर कैमरा से, तो कभी कभार वो नाइटस्केप को इनेबल करने के बाद में भी फ़ोटो के अंदर जो है नॉइज़ वगैरह आ जाता था, और कुछ कुछ रेडिश वगैरह भी फील आता था, मतलब रेड कलर का शेड आ जाता था उस नाइटस्केप या फिर पोर्ट्रेट मोड शॉट लेने के बाद में। तो कैमरे के अंदर जो बग्स थे वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, साथ में ऑटो फोकस के अंदर भी कुछ इशूज़ वगैरह थे, तो वो भी यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। जो अपडेट्स आएंगे उनमें आपको कैमरा इंप्रूवमेंट और सिक्योरिटी पैच, और जो मैंने आपको बताया फास्ट स्विच टॉगल डार्क मोड वाला, वो देखने को मिलेगा। और साथ में दोस्तों ज़्यादा कुछ तो है नहीं, कोई नया फीचर भी आपको नहीं मिलेगा, इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग तो आया ही नहीं रियलमी 2C1 के अंदर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि लॉक स्क्रीन मैगजीन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। रियलमी 2 और C1 में भी आपको सेम अपडेट मिलेगा, सिक्योरिटी पैच और जो मैंने आपको फीचर्स बताए, तो ज़्यादा कुछ है नहीं उतना, मतलब अंदर अंदर से मत सोचना कि हाँ ये आने वाला है, वो आने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल सा अपडेट है। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ अपडेट कब तक मिलेगा, तो आंसर बड़ा ही सिंपल है, 17 दिसंबर को रियलमी X2 लॉन्च होने वाला है, जो रियलमी XT730G है वो फ़ोन लॉन्च होने वाला है। उसके बाद मतलब 18 दिसंबर से अपडेट जो है रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जो रियलमी के जो अपडेट्स की जो टाइमलाइन होते हैं अगर आप उसको फॉलो करोगे, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो भी फ़ोन लॉन्च करते हैं ना रियलमी, उसके बाद जो मतलब जो अपडेट है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो 17 दिसंबर को पहले रियलमी X2 लॉन्च हो जाएगा इंडिया के अंदर, उसके बाद 18 दिसंबर से अपडेट रोल आउट होना चालू हो जाएगा। हर एक मतलब एक दिन एक डिवाइस को अपडेट मिल जाएगा, रियलमी 1, U1, 2, C1 को एक साथ मिलेगा, 3, 3i को एक साथ मिलेगा, इसके अलावा XT है, बहुत सारे डिवाइस है, सिर्फ रियलमी 5 और 5s को ही अपडेट मिल चुका है जो दिसंबर का अपडेट है, और जो 5 प्रो है उसको हो सकता है आगे ही मिल जाए, क्योंकि वो मतलब रियलमी का रिसेंटली लॉन्च्ड प्रो लाइनअप का डिवाइस है, तो 5 प्रो को पहले मिल सकता है, और जो बाकी के डिवाइस है U1, 2, C1 जितने भी है ना, सबको अपडेट मिलेगा, लेकिन हाँ 17 दिसंबर के बाद में। तो उम्मीद है कि अगर आपके मन में था कि भाई अपडेट हमें कब तक मिलेगा दिसंबर का, नवंबर का अपडेट तो आया ही नहीं U1 के अंदर, और भी कुछ डिवाइस थे उनके अंदर नवंबर का अपडेट आया नहीं, तो एक्चुअली बात ऐसी है कि 31 अक्टूबर को अपडेट रोल आउट किया गया था, उस वजह से नवंबर के महीने को अपडेट आपको नहीं मिला। जो रियलमी U1 है उन लोगों की बात में कर रहा हूँ, और भी कुछ डिवाइस थे जैसे उनको 31 अक्टूबर को मिला था, तो उनको नवंबर का अपडेट नहीं मिला। लेकिन टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, दिसंबर के महीने में आपको अपडेट ज़रूर से मिलेगा। 15 दिसंबर जैसे ही मतलब जैसे ही वो लॉन्च होगा ना रियलमी XT730G, उसके बाद एक एक करके डिवाइस पर अपडेट रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो बस दोस्तों ये था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट वगैरह था कि अपडेट कब तक मिलेगा, कौन से फीचर्स आएंगे, उम्मीद है वो आपका क्लियर हो गया होगा। वैसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आज, उनको ज़रूर से देखना,
रियलमी के कैमरा मतलब जो गूगल कैमरा है उसके ऊपर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, मतलब जो लेटेस्ट वर्किंग कैमराज है मेरे पास सबके लिंक्स हैं, मैं उनको आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप जाके उनको इंस्टॉल कर लेना। और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाला है, जाके चेकआउट कर लेना, मैं प्रीमियर कर दूंगा। तो इतने ही दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कुछ ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।